अध्याय सेक्शन 17 अध्याय 3 मानव कर्म दर्शन ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय दर्शन दृष्टा और दृश्य। दर्शन न्याय धर्म सत्य, दृष्टा मानव जीवन और दृश्य सहअस्तित्व। तो इसमें पहले अपन देखेंगे कि दृष्टा कौन है, तो मानव दृष्टा है और मानव में भी मानव जीवन दृष्टा है। और दृश्य यानी देखने की वस्तु क्या है, तो वो कहेंगे सहअस्तित्व ही देखने की वस्तु है। तो दृश्य जो है दृश्य का ही दर्शन होता है, तो दृष्टा द्वारा दृश्य का दर्शन होता है। दर्शन का मतलब समझ आना यानी उसका स्वरूप स्पष्ट होना। तो दृष्टा के द्वारा दृश्य के साथ जो किया गया क्रियाकलाप है उसको हम दर्शन कहते हैं। तो दर्शन की पूर्णता यानी दर्शन की समग्रता जो होगी उसका स्वरूप होगा न्याय धर्म सत्य के स्वरूप में दर्शन होगा। इन दृष्टियों के द्वारा दर्शन की समग्रता होती। अगला जो है ध्यान ध्याता और ध्येय, है ना। तब जो ध्यान के बारे में कहा गया है कि मानव जो है जीवन के साथ में ध्यान करने की बात रहती है, तो इसमें भी हम ध्याता से शुरू करेंगे कि कौन ध्याता है, कौन ध्यान देता है, है ना। तो मानव ध्यान देता है और जो भी ध्यान होता है वो ध्येय के अर्थ में होता है। मतलब हमारा जो लक्ष्य जो होता है उसी के अर्थ में हमारा ध्यान होता है। तो मानव सहज लक्ष्य क्या है, ब्रह्म मुक्ति, जीवन मूल्य और मानव लक्ष्य को प्रमाणित करना, है ना। मानव लक्ष्य को प्रमाणित करना ये मानव का ध्येय है। इस ध्येय के अर्थ में जो ध्यान है उस ध्यान को हम कह रहे हैं जागृति, है ना। तो ध्याता स्पष्ट है, मानव है, मानव का ध्येय क्या है ये स्पष्ट है, और ध्येय के अर्थ में जो ध्यान होता है उसको यहाँ पे जागृति कहा। फिर उसके बाद में कारण कर्ता और कार्य की बात की गई। तो कर्ता क्या कौन है, तो ये इसमें बात की गई, ये जो कुछ भी हो रहा है उसका कर्ता कौन है। तो यहाँ पे जिम्मेदारी जो है वो मानव के ऊपर रखी गई है। मानव ही जिम्मेदार है, मानव ही कर्ता है। कर्ता कर्म स्वतंत्रता के साथ ही कर्ता पद की बात होती है, तो मानव ही कर्ता है। और क्या करता है वो, कार्य की पूर्णता क्या है, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी ही कार्य होता है ना। और कारण जो होता है वो क्रिया की पृष्ठभूमि होती है। तो सहअस्तित्व ही मूल कारण है और उसी में ज्ञानावस्था के रूप में मानव का वैभव है। तो मानव के लिए जो कारण जो है वो स्थिति के रूप में, ज्ञानावस्था की स्थिति सहअस्तित्व में वो उसका कारण है, है ना। तो इस रूप में कारण कर्ता और कार्य की पहचान है। फिर आगे चौथा पॉइंट है साध्य साधक और साधन, है ना। तो ये साधना से संबंधित है, मतलब हम कोई चीज को सिद्ध करना चाहते हैं तो इसमें साधक कौन है, तो इसकी पहचान हुई कि साधक मानव है, है ना। और मानव के लिए क्या साधन है, मानव के लिए शरीर एक साधन है और शरीर से बनी हुई वस्तुएं साधन है जिनको बहिरंग साधन कहते हैं, और जीवन शक्तियों को अंतरंग साधन कहते हैं, ठीक है। और साधक का साधन के प्रयोग से किस साध्य को पाना है, है ना, तो ये वाली बात होती है। तो साध्य जो है वो है कि दृष्टा पद और जागृति को पाना है। तो पहले इसमें हमने एक बार चर्चा की थी कि अनुभव के लिए ध्यान देना होता है और अनुभव के बाद ध्यान बना रहता है। तो साधना का उद्देश्य है कि दृष्टा पद को प्राप्त करना और फिर उसके बाद में जो ध्यान बना रहता है वो जागृति को प्रमाणित करना। उसमें मानव परंपरा में शरीर के साथ में जागृति को प्रमाणित करने की बात रहती है, ठीक है। तो इसके आगे अपन बढ़ते हैं। तो ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय के मुद्दे पर अध्यात्मवादी अधिदैवीवादी और अधिभौतिकवादी नजरिए से सुदूर विगत में ही सोचना मानव परंपरा में ख्यात रहा अथवा विदित रहा। इन तीनों विधाओं का एकत्रित नामकरण आदर्शवाद रहा। इन तीनों में समानता का बिंदु रहस्य ही है। भौतिकता से अधिक वाला भी एक रहस्य, देवता अपने में एक रहस्य, अध्यात्म अपने आप में रहस्य है।
अध्यार्थ आदर्शवाद का मूल आधार स्थली और गम्य स्थली दोनों रहस्य हैं। रहस्य के आधार और गम्य स्थली होने के आधार पर ही मतभेदों का होना आवश्यक रहा। इसी के साथ साथ अनेक विधि से प्रयोग अभ्यास का भी प्रयास हुआ। जितने भी प्रकार से इन तीनों विधाओं में प्रयास हुए, अभ्यास, साधन, योग, ध्यान से लेकर पूजा पाठ प्रार्थना तक, इन सभी कृत्यों के फलन में जो आश्वासन मिला वह मोक्ष और स्वर्ग। मोक्ष भी एक रहस्य, स्वर्ग भी एक रहस्य रहा, यही गम्य स्थली कहलाता रहा। तो देखिए, इसमें हम आदर्शवाद जिसको बाबा जी यहाँ पे कह रहे हैं, उसके तीन भाग वो करते हैं, अध्यात्मवाद, अधिदैवीवाद और अधिभौतिकवाद, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जितना मुझे बाबा जी के वांग्मय को पढ़ने से और उनके आनुषंगिक जो सब वरिष्ठ साथीगण हैं उनसे चर्चा और संवाद और अपने अपने अध्ययन के क्रम में जितना मुझको अपने शोध के क्रम में जितना मुझे स्पष्ट हुआ है उसको आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। इसमें कमी हो सकती है क्योंकि मैंने आदर्शवाद का पर मैंने स्वयं चलकर नहीं देखा है, तो इसलिए इसके बारे में जो पढ़ा है जो सुना है उतना ही मैं आपके बारे में बता पाऊंगा, आपको यहाँ बता पाऊंगा। तो बेसिकली आदर्शवाद को जो बाबा जी जिस प्रकार से बताते हैं ये तीन भाग में है, अध्यात्मवाद, अधिदैवीवाद और अधिभौतिकवाद। तो अध्यात्मवाद तो पूरी तरीके से ब्रह्मवाद है जिसमें निराकार ब्रह्म की बात की गई है, जिसमें इस प्रकार के सूत्र हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको हम बहु बहुश्यामा, इस तरीके की बात है। तो सब कुछ ब्रह्म का ही ब्रह्म ही है, ये वहां पे प्रतिपादन है, वेदांत जो है उसी के अर्थ में है। फिर उसके बाद में है अधिदैवीवाद। तो अधिदैवीवाद जो है वो साकार ब्रह्म की अवधारणा है, मतलब जो ब्रह्म जो निराकार था वही ब्रह्म जो है वो साकार स्वरूप में हो गया। तो उसमें ऐसे तैतरेयी उपनिषद में इस प्रकार के अवधारणा दी गई है कि ब्रह्म से आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और इस जल से पृथ्वी, इस प्रकार से कुछ क्रम बताया है और उसी क्रम में जीव और जगत की उत्पत्ति और ये जो संसार जो है उसको देवी देवता चला रहे हैं, है ना, इस प्रकार की बात बेसिकली कही गई थी। तो मूल में भारत में वेद विचार इनके मूल में रहा, अध्यात्मवाद और अधिदैवीवाद में। तो अधिदैवीवाद के फिर आगे तीन मुख्य भाग, तीन ही भाग इसमें हो गए, शैव, शाक्त और वैष्णव, है ना। तो शिव, शक्ति और विष्णु के रूप में इनके तीन भाग हो गए और जिसमें से कुछ इनमें कॉमनैलिटी रही, जैसे शिव और शक्ति के जो हैं इनमें, और काफी इनके क्योंकि प्रतीक अलग अलग रहे तो इनके अंदर अलग अलग भिन्नताएं, अलग अलग इनके बेसिकली पूजा पाठ के तरीके और आराध्य का स्वरूप अलग रहा। तो शिव को भी ब्रह्म का ही स्वरूप बताया, शक्ति को भी ब्रह्म का ही स्वरूप बताया, विष्णु का को भी ब्रह्म का ही स्वरूप बताया और फिर उसके बाद में आगे 33 कोटि के देवी देवताओं की बात की, है ना। तो ये हो गया अध्यात्मवाद और अधिदेवता अधिदैवीवाद, है ना। तो फिर आगे इसके आगे अधिदैवीवाद में आगे फिर अवतार आदि को भी जोड़ लिया गया, है ना, इस प्रकार की उसमें बात है, अनेक श्रेणी के देवी देवताओं की बात इसमें की गई है। तो तीसरा जो भाग है आदर्शवाद का है वो है अधिभौतिकवाद। अधिभौतिकवाद जो है वो वेद विचार से नहीं है, है ना। तो वेद विचार से अध्यात्म और अधिभौतिक अधिदैवीवाद ही है, अधिभौतिकवाद जो है वो वेद विचार से नहीं है। तो इसमें बेसिकली अवधारणा ये है भौतिकता से अधिक कुछ है, तो मतलब ये भौतिकवाद नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कहते कि जो कुछ है वो भौतिकता ही है जैसे कि विज्ञान मानता है, प्रचलित विज्ञान मानता है। यहाँ पर इस प्रकार की बात है कि भौतिकता से अधिक कुछ है, लेकिन क्या है ये रहस्य है, है ना।
तो ये ईश्वरीय सत्ता के बारे में भी मतलब ये नहीं मानते, या फिर उसके बारे में कहते हैं कि है या नहीं है ये नहीं कहा जा सकता, तो एग्नोस्टिक के रूप में कहते हैं। तो शायद बौद्ध और जैन जो संप्रदाय हैं इनको हम इस अधिभौतिकवाद श्रेणी में रख सकते हैं। तो जैसे कि साधन भाई ने अपनी प्रस्तुति में रखा था कि भौतिकवाद जो है वो आदर्शवाद से ज्यादा पुराना है। एक्चुअली मैं पहले सोचता था कि भौतिकवाद एक नई चीज है, आदर्शवाद तो हमेशा से है, लेकिन जो उनकी प्रस्तुति से जो मुझे नई बात एक स्पष्ट हुई कि मानव जो धरती पर प्रकट हुआ तो सबसे पहले भौतिकता से ही जुड़ा, तो उस प्रकार से खाने पीने की वस्तुएं और उन चीजों के आवास के लिए स्थान और इन चीजों के लिए ही खोज उसकी प्रारंभ हुई, तो उसका जो विचार जिसमें लगा वो एक प्रकार से भौतिकवाद ही हुआ, वो भले ही वो उसका आरंभिक स्वरूप हो। तो अस्थिरता अनिश्चयता मूलक वस्तु केंद्रित विचार की शुरुआत जो है मानव के धरती पर प्रकटन के साथ ही शुरू हो गई, तो उस प्रकार से भौतिकवाद पुराना है। बाद में जब जब कृषि सभ्यताएं और सभ्यताएं जब एक प्रकार से विकसित होने लगी, लोगों के पास में सोचने के लिए समय होने लगा, है ना, तब जाके आदर्शवाद के विकसित होने की बात हुई। तो राजयुग में आने के बाद राजयुग के साथ जो है आदर्शवाद की शुरुआत हुई, जिसमें इसका स्ट्रक्चर बना और एक प्रकार से सोच विचार का स्वरूप बना। तो ये कुल मिला के बात हुई। तो आदर्शवाद में ये जो तीनों भाग हैं, अध्यात्मवाद, अधिदैवीवाद और अधिभौतिकवाद, इस पिछले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ये तीनों जो हैं अपने आप में रहस्य मूलक हैं, क्योंकि जो इन तीनों में जो भी बताया कि रहस्य है, जिस रहस्य को जैसे हमने रहस्य मुक्ति वाले अध्याय में पढ़ा था, रहस्य वो है जिसको हम समझ ना सके ना उसको समझा सके, तर्क विधि से उसको समझा समझाया ना जा सके, उसको हम रहस्य कह रहे हैं। तो ये समझने की जगह में नहीं पहुंचता, प्रमाणित होने की जगह में नहीं पहुंचता, इसलिए इसको आदर्शवाद कहते हैं। आदर्श आदर्श ही रह जाता है, विचार के रूप में आता है, सोचने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रमाणित में नहीं हो, प्रमाणित होना नहीं होता। तो ये एक ब्रीफ व्यू आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया कि आदर्शवाद को बाबा जी किस प्रकार से उसको कह रहे हैं। अब इसके बाद में आगे हम और पढ़ते हैं। आधार भी रहस्य होना इस प्रकार से रहा है, एक रहस्य से ही, रहस्य में ही शून्य ब्रह्म से ही ये सभी सृष्टि स्थिति लय हुई, अथवा भौतिक क्रियाकलाप से परे किसी वस्तु से सृष्टि स्थिति लय हुई। सृष्टि स्थिति लय मतलब होता है, सृष्टि मतलब बनना, स्थिति मतलब बने रहना, और लय मतलब उसका वापस मिल जाना, जैसे या उसका विनाश हो जाना। तो जो परम भारतीय परंपरा में जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो बात की गई है, उसमें भी इसी प्रकार की अवधारणा है कि ब्रह्मा जो है वो सृष्टि कारक है और विष्णु जो है वो उसका पालक है, और जो शिव है जो वो उसका विनाशक है, ताकि नए नए तरीके से फिर सृष्टि हो। इस प्रकार से उन्होंने इस बात को रखा है, ठीक है। तो ये मतलब आदर्शवादी विचारधारा के बारे में बात हो रही है। इस प्रकार शुरुआत रहस्य और अंत भी रहस्य से हुआ, अंत शुभद रहस्य स्वर्ग और मोक्ष से। तो इसमें अंत की ये क्या कर परिकल्पना दी है, स्वर्ग और मोक्ष को एक शुभद रहस्य के रूप में बताया गया। शुभद इसलिए कि स्वर्ग और मोक्ष को आनंद है, रहस्य इसलिए क्योंकि रहस्य का में इसका अंत होने से है, क्योंकि स्वर्ग किसको मिला, मोक्ष किसको मिला, ये बताने वाला कोई बचता नहीं है ना। कोई मोक्ष को प्राप्त है तो वो जिंदा तो है नहीं, जो स्वर्ग में है वो भी जिंदा नहीं है, तो उसका प्रमाण जो है वो जीने में नहीं मिलता है। तो इन तीनों प्रकार के संयुक्त आशय रूपी आदर्शवाद के अनुसार दृश्य दृष्टा दर्शन के बारे में ब्रह्मवादियों के अनुसार ब्रह्म ही दृष्टा, ब्रह्म ही अपने संकल्प के अनुसार दृश्य, और ब्रह्म ही दर्शन करने वाली सृष्टि है, है ना। तो इसमें ये कह उनका इस प्रकार से प्रतिपादन है वेदांत में कि ब्रह्म ही देखने वाला है
और भ्रम ही एक संकल्प लेने वाली वस्तु है ना। संकल्प लेके अपने ही संकल्प से अनेक रूपों के रूप में दृश्य हो जाता है, और अपने ही संकल्प से वो वापस विलय भी हो जाता है। यानी तो भ्रम, और भ्रम ही देख दर्शन करने वाली दृष्टि है। तो इसको, ये तीनों जो हैं जब एक स्वरूप में हो जाती हैं, तो उसको त्रिपुटी संगम कहा है, उसको मोक्ष की स्थिति के रूप में वो लोग प्रतिपादित किए हैं। वैसे ही अधिदैवी वाले कहते हैं, जो दस्तावेदों के अनुसार पढ़ने में आता है, उनके अनुसार शक्ति विद्या, शिव विद्या और विष्णु विद्या, ये तीन प्रतिपादित हैं। शक्ति में ही संपूर्ण दृश्य सृष्टि स्थिति लय है। वैसे ही तीनों ये देवाधीन हैं, देवाधीन मतलब देवताओं के कंट्रोल में हैं। सभी दृश्य इसीलिए हैं कि दृश्य रूप में देवताओं का संकल्प है ना। तो उसमें हर क्रियाकलाप के लिए बेसिकली किसी एक देवता को जिम्मेदार ठहरा दिया, जैसे इंद्र को बारिश के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया, उस तरह से वायु के लिए एक वायु देवता को, उस तरीके से हर चीज के लिए एक देवी देवताओं का कर दिया। तो कर्म का जो फल है वो देवी देवताओं के अधीन है, इस तरीके की प्रतिपादन है। और देवी देवताओं को खुश करने से, उनकी पूजा करने से हमारा मानव जो है अब उसका कल्याण हो सकता है, इस प्रकार के बात की गई है। और साथ ही में स्वर्ग नरक आदि के बारे में, आश्रम और आदि के बारे में भी बताया गया है, जो कि अलग इसी से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो शक्ति में ही संपूर्ण दृष्टि सृष्टि स्थिति लय है, ये वैसे ही तीनों में ये देवाधीन है। सभी दृश्य इसीलिए हैं कि दृश्य स्वरूप में देवताओं का संकल्प है, देवता ही दृष्टि दृष्टा है, दर्शन करने वाला भी देवता है। इसी प्रकार अधिभौतिकवाद के अनुसार भी भौतिकता से अधिक ताकतवर कोई रहस्यमयी दृष्टा दृश्य दर्शन होने की बात कही गई है। इसी क्रम में ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय के बारे में भी बात की बताई गई है। ज्ञान, ज्ञान क्या है और ज्ञाता कौन है, और ज्ञेय यानी ज्ञान, जानने की वस्तु है ना, इसके बारे में भी कुछ बात कही गई है। तो ब्रह्म अथवा देवता स्वयं ज्ञान स्वरूप है या ज्ञाता और ज्ञेय के स्वरूप में है। ब्रह्म ही ध्यान, ध्याता और ध्येय ये सब है ना। इस प्रकार से अधिदैवीवाद और और अध्यात्मवाद में बात की गई है। कार्य कारण कर्ता के रूप में भी ईश्वर अथवा देवता को मानने के लिए तैयार हैं। ये पहले की आवाज इस रूप में ही रही है, ठीक है। तो ये एक बाबा जी का एक प्रकार से आदर्शवाद की समीक्षा है। अब इसके बाद आता है भौतिकवाद। भौतिकवादी विचार के अनुसार रचना भेद से चेतना भेद निष्पन्न होता है ना। इनका प्रमाण कहीं देखने को नहीं मिलता है ना। मतलब उसमें यह है कि जैसे कोई भी कॉन्शियसनेस है या चेतना का जो प्रकाशन है वो किस लिए हो रहा है, किसी रचना इतने अपने आप में, इतनी फिजिकल फॉर्म जो है वो अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि वो एक कॉन्शियसनेस को एक्सप्रेस करने लग गया है ना। तो कॉन्शियसनेस जो अपने आप में, या अब उसमें उसका जो स्रोत है वो कहाँ पर खोजने जाएंगे, तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि ब्रेन उसका स्रोत है। तो चेतना का जो स्रोत है वो ब्रेन कहते हैं। तो उनका हिसाब से मैटर जो है या भौतिक वस्तु है वही अपने आप में इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि वो चेतना को एक्सप्रेस करने लगती है। तो अभी आपने ये भी सुना होगा कि भौतिकवादी विचारधारा वाले अब ये भी कहने लगे कि कंप्यूटर भी इतना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है तो कंप्यूटर में भी चेतना आ जाएगी, है ना। इस प्रकार से फिर वो साइंस फिक्शन की चीजें बनाते हैं। और आपने सुना होगा कि चेस में गैरी कास्परोव का जो IBM के कंप्यूटर के साथ में, सुपर कंप्यूटर के साथ में चेस का गेम हुआ, उसमें कंप्यूटर जीत गया। तो ऐसा आप कहते हैं कि उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है ना, उस प्रकार की एक चेतना उसके अंदर डेवलप हो रही है। वैसे वो भौतिकवादी विचार के अनुसार जो है रचना के अनुसार चेतना की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार की उनकी विचारधारा है। अभी इस प्रकार से कह रहे हैं कि इंटरनेट अपने आप में इतना कॉन्शियस, इतना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और वो मेटीरियल से बना है, तो इंटरनेट में अपनी कॉन्शियसनेस है और इंटरनेट में अपनी चेतना है।
इस प्रकार की बात वो कर रहे हैं, पर उसका कुछ प्रमाण मिलता नहीं है, है ना। तो भौतिक वस्तु ही चेतना का स्रोत यहाँ माना गया, इस क्रम में पत्थर मिट्टी को परीक्षण करने से कुछ दिखता नहीं। सहस्तित्ववादी नजरिए से, अब सहस्तित्ववादी नजरिए में इस दर्शन में आपको बेसिकली हम सबको क्या समझाया गया कि वास्तव में चीजें क्या हैं, जो हम इस किताब इस चैप्टर की भी जो शुरुआत किए थे कि ज्ञान क्या है, ज्ञाता क्या है, ज्ञेय क्या है, दर्शन क्या है, दृश्य क्या है, है ना, दृष्टा कौन है। तो इन चीजों से हम बेसिकली हमें वास्तविकताओं की परिभाषा मिल रही है, या फिर जो भी शब्द मिल रहे हैं उसके मूल में क्या वस्तु है उसको जोड़ा जा रहा है। तो दर्शन में यही हो रहा है ना, दर्शन से हमको हर चीज की परिभाषा मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सहस्तित्ववादी नजरिए से मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में होने का अध्ययन संपन्न करते हुए जीवन चैतन्य पद प्रतिष्ठा होने का स्थिति समझ में आता है। चैतन्य प्रकृति रूपी जीवन जागृति क्रम से जागृति पूर्वक मानव परंपरा में जागृति को प्रमाणित करना होता है, है ना। ये लाइन अपने में स्पष्ट है कि चैतन्य प्रकृति यानी जीवन ये जागृति क्रम से जागृति पूर्वक, है ना। जागृति क्रम कहाँ से शुरू हुआ है, जब मानव जो है जागृति की ओर प्रयास शुरू करता है वहां से, और जागृति की पूर्णता क्या है, दिव्य मानव पद में, है ना। जागृति की शुरुआत कब से है, मानव पद से। तो मानव परंपरा में जागृति को प्रमाणित करना होता है ना। तो जीव और शरीर और जीवन का संयोग जीव परंपरा में भी होता है, लेकिन जागृति का प्रमाण जो है वो मानव परंपरा में ही मिलता है। मानव परंपरा में शरीर और जीवन का सानिध्य आवश्यक है। सानिध्य मतलब पास पास होना या साथ में होना। मानव परंपरा ये तो स्पष्ट है कि इसमें शरीर और जीवन का सानिध्य आवश्यक है अथवा सहअस्तित्व आवश्यक है। जीवन में होने वाली 10 क्रियाओं के आधार पर, जैसा अनुभव, प्रमाण, अनुभव का बोध और संकल्प, संकल्प का साक्षात्कार एवं चित्रण, चित्रण का तुलन और विश्लेषण, विश्लेषण का आस्वादन और चयन, ये 10 क्रियाएं जीवन में संपादित होती हैं। यही 10 क्रियाएं जीवन जागृति के अनंतर प्रमाणित होते हैं। तो जीवन की 10 क्रियाओं का के बारे में हमने अलग से एक विशेष प्रस्तुति भी रखी थी, और दर्शन में हमने कई जगहों पर उसके बारे में बात की है कि जीवन के जो 5 स्तर हैं, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा, इनकी निश्चित क्रियाएं हैं और ये संयुक्त रूप में मानव में चेतना का प्रकाशन करते हैं, और चेतना के प्रकाशन करने के 4 स्तर हैं, जीव चेतना, मानव चेतना, देव चेतना और दिव्य चेतना, 4 स्तर हैं। तो शरीर को जीवन मानते तक जीवन क्रियाओं में से 4.5 क्रिया ही संपन्न हो पाते हैं, शेष 5.5 क्रियाएं प्रमाणित नहीं हो पाते। इसी संकटवश मानव प्रताड़ित होता है। स्वयं में अंतर विरोधवश जीवन शक्तियां प्रमाणित नहीं होने के संकटवश प्रताड़ित है। तो मानव जो है वो प्रताड़ित क्यों होता है, क्योंकि जीवन की जो शेष 5.5 क्रियाएं हैं उनका प्रमाण नहीं मिलता है, तो इसलिए जो शेष 4.5 क्रियाएं हैं उसमें समस्याओं में ही जीना बनता है, है ना। तो जो भी कुछ करता है वो किसी ना किसी जगह पे जाकर काली दीवार के सामने खड़ा हो जाता है। तो एक प्रकार से समस्या की चेतना है, जीव चेतना जो है वो समस्या की चेतना ही है। तो कोई चीज जो है हमें अच्छी लगती है उसमें हम समय भी लगाते हैं, सब करते हैं, फिर कुछ समय के बाद में पता लगता है कि वो चीज असफल हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह शरीर को जीवन समझने का भ्रम समस्याओं का कारण बनना और बाह्य प्रताड़नावश मतलब एक्सटर्नल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके कारण मानव व्याकुल एवं संकटग्रस्त रहता है। इसका प्रभाव द्रोह, शोषण, युद्ध सदा सदा से मानव कुल के सर पर ही नाच रहा है, है ना। तो इसलिए ये जिसको बाबा जी चक्रव्यूह कहते हैं, है ना, कि चक्रव्यूह होता है जैसे पानी में भंवर होता है वैसा, है ना। द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध, साम, दाम, दंड, भेद, इस प्रकार के वो भाषा का प्रयोग करते हैं कि ये इन चीजों में मानव फंसा रहता है ना। छल, कपट, दंभ, पाखंड,
द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध और साम दाम दंड भेद, इन तीन व्यूहों की बात करते हैं बाबा जी, कि इनमें आदमी फंसी जाता है या फंसा रहता है अथवा मानव इसे अपरिहार्य मान चुका है। और इतना स्थिति ऐसी हो गई है कि अब मानव मान हम ऐसा मान चुके हैं प्रचलित रूप में कि ऐसा ही होता है, मतलब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, मानव ऐसे ही काम करता है, इसको अपरिहार्य, इसका कोई परिहार नहीं है, मतलब इससे कोई रेमेडी नहीं है, है ना। इससे घटिया तस्वीर मानव कुल का क्या हो सकता है, ये सोचने का बिंदु है, है ना। तो यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसमें स्टेटमेंट दिया है कि मानव का जो मानव कुल यानी मानव की जो पूरी मानव जाति है वो एक घटिया स्थिति के अंदर है, है ना, जबकि वो एक भ्रम में है और वो ये भी मान चुका है इससे वो निकल ही नहीं सकते हैं, है ना, इसका कोई इलाज नहीं है। दिस इज द ह्यूमन कंडीशन, ये आदमी का कंडीशन ही यही है, मानव को इसी में ही रहना है, इससे कोई और निजात नहीं है। और मानव इसे ही शान मानता रहा है ना, इसी क्योंकि इसके लिए थ्योरीज बन रही हैं, इसके लिए पूरे कार्यक्रम बन रहे हैं, इसके लिए सारे मार्गदर्शक हैं, इसमें से कैसे जीता जाए, इस रेस, इस रैट रेस के अंदर आगे कैसे निकला जाए, इसके लिए लोग लगे हुए हैं, है ना। तो इसलिए इसको मानव अपनी शान मानता रहा है। सहअस्तित्ववादी विधि से जीवन और शरीर का अध्ययन और सहअस्तित्व का अध्ययन, सहअस्तित्व में जीवन अविभाज्य रहने का अध्ययन, सहअस्तित्व में संपूर्ण भौतिक रासायनिक क्रियाएं संपन्न होने का संपूर्ण अध्ययन करतलगत हो गया, है ना। तो ये अब इससे पूरा एक व्यू, होलिस्टिक व्यू अपने को हाथ में मिल गया, है ना। तो अध्ययन का मतलब कैसी क्या चीज है उसके बारे में पूरा जानकारी अपने को स्पष्ट हो जाए, है ना, उसकी स्थिति क्या है, उसका वस्तुगत स्थिति, वस्तुगत क्या है, उसकी वस्तु स्थिति क्या है, है ना, उसका रूप गुण स्वभाव धर्म क्या है, उसके सारे सभी आयामों के बारे में उसका अध्ययन हो जाए, है ना? अध्ययन हो जाए तो हमें स्पष्ट हो जाए, उसका मूल्यांकन करना आ जाए कि उसका पूरा का क्या स्वरूप है, है ना। मूल्यांकन करने के लिए, किसी भी चीज का मूल्यांकन करने के लिए उसके 100% का स्वरूप अपने को पता होना चाहिए, तभी हम उसका मूल्यांकन कर पाते हैं। तो रासायनिक भौतिक वस्तुओं, संपूर्ण प्रकार के वनस्पति संसार, जीव संसार और मानव शरीर रचनाएं संपन्न होने का क्रियाकलाप का अध्ययन सुलभ हो जाता है। मानव शरीर में मेधस तंत्र सर्वोच्च समृद्ध रचना होने के आधार पर जीवन की कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता प्रकाशित होते हुए सोच विचार कार्यकलाप फल परिणाम के आधार पर और सोच विचार होते हुए अब कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति बिंदु की ओर शोध अनुसंधान करने के लिए प्रस्तुत हुए। तो देखिए, मानव शरीर में सर्वोच्च मेधस तंत्र यानी कि ब्रेन, ब्रेन सिस्टम, ये सबसे समृद्ध रचना है, सभी जीवों से अधिक सबसे समृद्धिपूर्ण मेधस इसमें पाया जाता है। तो समृद्धिपूर्ण होने का कारण जीवन इसमें के द्वारा अपनी सभी शक्तियों का प्रकाशित करता है, जीवन इसके द्वारा कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता को प्रकाशित करता है। तो ये ब्रेन का प्रॉपर्टी है जिसके कारण से उसमें कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता प्रकाशित होती है और जीवों में नहीं हो पाती क्योंकि उनका समृद्ध मेधस नहीं है, इसलिए उसमें कर्म करने में भी स्वतंत्र है और उनमें कल्पनाशीलता भी नहीं है। तो इसलिए वो जो भी कार्य करते हैं उनका वंश के अनुसार उनका वैसे ही बना रहता है, जबकि मानव का जो है कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता होने के लिए उसमें शोध और अनुसंधान करने के लिए प्रस्तुत होता है। तो जब से मानव प्रकट हुआ है तब से शोध और अनुसंधान उसके अंदर बना हुआ ही है, अपने अपने क्योंकि उसके अंदर वो सेट नहीं हो पा रहा है, अपने जो उसका प्राकृतिक सहज स्वरूप है उसमें वो सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो शोध और अनुसंधान करने में लगा रहा है। इसी क्रम में मानव अनेक प्रकार से विचार किया, जिसमें से दो विचारों के दो ही विचारधाराएं बेसिकली बनी, आदर्शवाद और भौतिकवाद, और इन्हीं के खंड विखंड में अलग अलग इसके वेरिएशंस के रूप में ही बनी दूसरी बातें जो है। तो द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध से हम छुटकारा पाना चाहते ही हैं, है ना, इसीलिए शोध अनुसंधान करते हैं, क्योंकि द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध में हम कुछ ये कुछ भी सोच विचार करता है आदमी इस चेतना के स्तर में, वो इन सब द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध में ही फंसता है ना।
मतलब कुछ भी करता है उसके अंदर द्रोह होने की, कॉन्फ्लिक्ट होने की बात होती है, रिवोल्ट होने की बात होती है, या फिर किसी का एक्सप्लॉयटेशन करने की बात होती है, या फिर अल्टीमेटली मतलब फुल स्केल वॉर की बात होती है। तो इन सब चीजों से आदमी इन सब चीजों में चला तो जाता है, युद्ध को भी धर्म का युद्ध कहलाता है कि न्याय के लिए युद्ध करेंगे, धर्म के लिए युद्ध करेंगे, लेकिन युद्ध से वास्तव में हम छुटकारा ही पाना चाहते हैं। युद्ध में कोई बना नहीं रहना चाहता। किसी से भी अलग से पूछो तो क्या चाहते हो, युद्ध बना रहे या नहीं, तो हम तो शांति चाहते हैं, शांति के लिए युद्ध कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो ये संभवतः सर्वाधिक भले आदमियों में स्वीकृत है ही। तो अनलेस कोई बहुत ही मतलब एक तरीके से हो गया हो, अपने विचारों के अंदर इतना ज्यादा कड़ा कर लिया हो, सर्वाधिक लोग जो हैं वो सच्चाई के ही पक्षधर होते हैं, और जो कुछ बहुत कट्टर होते हैं उनसे भी आप कुछ एक स्टेप्स के ऊपर आगे चल के वो भी अपने मूल प्रवृत्ति की ओर उनका ध्यान आकर्षण होता ही है, क्योंकि सूक्ष्म रूप में इच्छा जो है सभी की न्याय के लिए ही है, धर्म के लिए ही है, सत्य के लिए ही है। तो इसके लिए जो है वही सहस्तित्ववादी अध्ययन की आवश्यकता रही, जो ये जो शोध और अनुसंधान की जो प्रवृत्ति जो मानव में पाई जा रही है अपनी तृप्ति बिंदु की तलाश के लिए, उसके लिए आवश्यक जो है स्रोत होने की आवश्यकता है, कि उसके लिए सहस्तित्ववादी अध्ययन की आवश्यकता रही। ये उपलब्ध नहीं रहा, इसलिए अब ये उपलब्ध हो गया है, ऐसा हम यहाँ पर कह रहे हैं। सहस्तित्ववादी सोच के अनुसार ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को ठीक ठीक अध्ययन किया जा सकता है। ज्ञाता के रूप में जीवन को, ज्ञान के रूप में सहस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान को पहचाना गया। जागृति पूर्वक मानवाकांक्षा जीवनाकांक्षा को सार्थक बनाना ज्ञेय का तात्पर्य है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य को प्रमाणित करना है, यही ज्ञेय के सार्थक होने का प्रमाण है। तो एक तो जानना और फिर जानने का प्रमाण होना, है ना, ये दो दो चीजें हैं। इसी प्रकार से दृष्टा दृश्य और दर्शन की भी सार्थक व्याख्या हो पाती है ना। दृष्टा पद में जीवन, दृश्य पद में सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व, और दर्शन के अर्थ में अस्तित्व दर्शन के रूप में सार्थक व्याख्या हो जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा बात पहले कर चुके हैं शुरुआत में ही। ध्यान ध्याता ध्येय भी इसी क्रम में स्पष्ट होता है। ध्येय मतलब किस चीज का लक्ष्य है, ध्यान किसके लिए करना है, जागृति के रूप में ध्येय, ध्यान समझदारी संपन्न होने और समझदारी को प्रमाणित करने के रूप में, और ध्याता जो है यानी कौन ध्यान देता है वो जीवन के रूप में पहचानने की व्यवस्था है। तो ये सामान्य रूप में अपन देख सकते हैं कि हम ध्यान देते हैं, और ध्यान देते किस चीज में ध्यान देते हैं, जिस चीज को आप अपना लक्ष्य मानते हैं या ध्येय मानते हैं उसी में हमारा ध्यान बना रहता है ना। तो यहाँ पर भी बेसिकली ये है कि हम अपने मानव सहज लक्ष्य की ओर, लक्ष्य को अगर हम अपना ध्येय बनाते हैं तो उसके अर्थ में हमारा ध्यान बनता है, और उसके लिए फिर हमारा अध्ययन में ध्यान लगता है ना। तो यही बेसिकली इसमें क्रक्स पॉइंट है, अध्ययन में मन लगने की बात होती है। मन कब लगता है, जब हमको इसका जो लक्ष्य जो है वो स्पष्ट होता है कि हाँ ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये डायरेक्शन मुझको स्वीकार है या नहीं, है ना, यही बेसिकली क्रक्स पॉइंट है ना। तो हम मानव का लक्ष्य क्या है ये हम, और मेरा लक्ष्य क्या है, सर्व मानव का लक्ष्य क्या है, इस अर्थ ये अपने को स्वीकार होता है तो अपन हाथ पांव उसके लिए मारते ही हैं, उसके लिए भाषा की कठिनता को दूर करते हैं, उसके लिए साधनों का भी जुगाड़ करते हैं, जो कुछ भी करना होता है वो सब कर लेते हैं। तो ध्येय को स्पष्ट करना इसलिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है अध्ययन के लिए। कर्ता कार्य कारण भी स्पष्ट है। कर्ता पद में जीवन, कार्य पद में मानव, देव मानव, दिव्य मानव पद प्रतिष्ठा, है ना। कार्य क्या करेगा, मानव स्वरूप में जिएगा, देव मानव स्वरूप में जिएगा, दिव्य मानव स्वरूप में जिएगा, और कारण के रूप में सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व नित्य प्रतिष्ठा के रूप में पहचानने की व्यवस्था है, प्रतिष्ठा है। साध्य साधन और साधक के बारे में जो सोचा जाता था, है ना, ये आदर्शवादी विधि की बात कर रहे हैं, क्योंकि आदर्शवादी विधि में ही साधना की बात है, भौतिकवादी विधि में साधना की कोई बात ही नहीं है, उसमें तो केवल भोगने की बात है।
तो वहां पे जो साधक के रूप में जो सोचा जाता है सोचा जाता था, सहस्तित्ववादी नजरिए से साधक को पहचानने का तरीका बहुत आसान, प्रयोजन से जुड़ा हुआ होना पाया जाता है ना। सहस्तित्ववादी नजरिए से साधक मानव के रूप में पहचान में आता है, साध्य के रूप में जीवन जागृति सुलभ हो पाता है ना। क्या चीज को साधना है, क्या चीज सिद्धि के रूप में क्या प्राप्त करना है, जीवन जागृति। मानव स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार के रूप में जागृति ही पहचानने में आता है ना। क्या चीज मानव का स्वत्व बनेगा और किससे मानव स्वतंत्रता के रूप में जिएगा, क्या चीज उसके फिर अधिकार में आ जाएगी है ना, उसकी जागृति को ही पहचाना कि समझदारी के रूप में स्वत्व बनेगा जिससे मानव स्वतंत्रित होगा, यानी उसके जो कुछ भी संबंध है उसके उसके साथ में सामरस्यता को स्थापित करेगा और वो उसका अधिकार बन जाएगा है ना। जिस चीज को हम जब भी चाहें उपयोग कर सकें वो हमारा अधिकार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार समझदारी के रूप में और ऐसी समझदारी ज्ञान विवेक विज्ञान में पुनः स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार वैभवित होना पाया जाता है। तो एक तरीके से इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि जीवन में जो ज्ञान विवेक और विज्ञान जो स्थापित होता है वही ज्ञान विवेक विज्ञान जो है वो परंपरा के रूप में प्रमाणित होता है, वैभवित होता है। तो एक तरफ जीवन में अनुभव और दूसरी तरफ परंपरा में प्रमाण है ना, इस रूप में इस पूरी बात को रखा गया है। तो हमेशा जागृति जो है वो परंपरा में होगी, अनुभव जो है वो जीवन में होगा। ठीक, तो यही जागृति का प्रमाण है। इस प्रकार साध्य कितना सार्थक है, अर्थात जागृति रूपी साध्य कितना सार्थक है, ये हर व्यक्ति सोच सकता है। तो अब इसके बाद में हम जिस चीज को साध्य माने हैं वो कितना मीनिंगफुल है ना, या फिर उसको हम सोच सकते हैं। और यहाँ पर जिस चीज को साध्य बताया जा रहा है जागृति के रूप में वो कितना सार्थक है, क्या इसमें स्वर शुभ का स्वरूप निकलता है, उसको अपन जांच सकते हैं, इसको सोच सकते हैं कि हाँ ये वाला स्वरूप जो है क्या हम इसको पाना चाहते हैं, क्या इसमें सब क्या सभी लोगों का समाधान संपन्न होना, समृद्ध होना, क्या ये हमको स्वीकार होता है, क्या संघर्ष विहीन स्थिति जो है वो हमको स्वीकार होती है ना। ये उस अर्थ में ये हम इसको कह सकते हैं कि हाँ ये साध्य है, यानी ये इसके लिए साधना हमको करनी है, इसके लिए जो हमको साधन का प्रयोग करना है वो इसके लिए करना है। तो साध्य जो है वो हमको स्पष्ट होना होगा कि क्या हम वास्तव में मूलतः इसको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इस बारे में अपने को निर्णय पर पहुंचना होगा। उसके लिए अपने को क्या करना होगा, साध्य को लेके सबसे पहले इसका विजन को लेके स्पष्ट होना होगा कि क्या चीज हम बेसिकली किस चीज पर पहुंचना चाह रहे हैं, क्या उसका स्वरूप होगा, और उस स्वरूप में अपने आप को कहीं फिट करके देखें कि हाँ इस स्वरूप में मैं रहना चाहता हूँ, इस प्रकार इसमें मेरा शुभ है, इसमें सबका शुभ है, इस प्रकार की चीजों का हमेशा हमेशा के लिए शुभ है ये वाला, ये इसको कम से कम कल्पना तो करके देखें, क्योंकि कल्पना ही ज्ञान का भ्रूण स्वरूप होता है। तो जो ही जो सार्थक एक एक साधार अनुमान अगर हम उसका बनता है, यानी प्रमाण पर आधारित अनुमान हम अगर बनाते हैं, तो वो एक्चुअली उससे एक हमारा कल्पनाशीलता में जो फैलने वाला गुण है ना, वही आगे उसको तदाकार तक पहुंचाता है। यानी तदाकार मतलब जागृति के आकार में कल्पनाशीलता हो जाती है, हमारी कल्पनाशीलता में फैलने का गुण है, और वो फैलने का जो स्वरूप है वो बेसिकली सार्वभौम व्यवस्था के स्वरूप में हो जाए, ज्ञान के स्वरूप में हो जाए, ये बेसिकली अध्ययन का बेसिक आशय है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। साधन के रूप में शोध अनुसंधान के लिए कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, परंपरा रूप में प्रमाण, यही साधन है। प्रमाण संपन्न परंपरा अर्थात प्रमाण और प्रामाणिकता के धारक वाहक के रूप में मानव परंपरा जब अपने को प्रमाणित कर पाती है, उसी समझ में सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज का प्रमाण बना ही रहता है। ठीक है, तो मानव परंपरा जब अपने को इस प्रकार में करती है तो ये
उसका स्वरूप क्या होता है, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था का प्रमाण। उसमें क्या है, सहज रूप से हर बालक जो जन्म लेता है उसका अभ्यास अध्ययन अभ्यास पूर्वक जागृत होना और प्रमाणित होना, ये एक उसकी आवर्तनशीलता संस्कार अनुषंगीयता जो है वो बन जाती है। अनुषंगीयता आप देखेंगे सभी जगह पर एक उसकी चक्रियता का स्वरूप है, किस प्रकार से उसकी आवर्तनशीलता बनी रहती है। जैसे प्राणावस्था में बीज अनुषंगीयता है ना, तो उसका एक प्रकार से साइक्लिसिटी बन रही है। और फिर जीवावस्था में वंश अनुषंगीयता है, मतलब वो किस चीज को फॉलो कर रहा है, किसको किसके अनुषंगिक वो चल रहा है ना। उसके बाद में और पदार्थावस्था में परिणाम अनुषंगीयता है। अब मानव की साइक्लिसिटी का क्या स्वरूप होगा, तो मानव में संस्कार अनुषंगीयता की बात है। तो अभी क्या है, परंपरा में संस्कार बना नहीं है, तो हर अभी शोध और अनुसंधान ही करता जा रहा है आदमी। अनुसंधान करने का साहस तो सभी लोग नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग जो परंपरा में अभी जो कुछ भी आधा अधूरा चल रहा है ज्यादातर उसी में उसी को ही अपनाते उसी में घिसटते हुए चलते रहते हैं, या फिर कुछ उसमें परेशान भी होते हैं और कुछ फिर उसके साथ में कुछ दिखावा भुलावा करके किसी प्रकार से समय काट रहे हैं या फिर किसी प्रकार से मैनेज कर रहे हैं। इस स्थिति में मानव जाति है, या ऐसे सोच रखे हैं कि इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता है ना। तो ऐसी जगह पर आदमी अभी खड़ा हुआ है, जिसके बारे में बाबा जी ने कहा एक बहुत ही घटिया स्थिति जो है मानव में, मानव एक उस जगह में पहुंच गया है। एक बार बाबा जी इसके लिए भी ये भी बोले थे कि मानव जाति मेरी नजर में चलती विरिया है ना, यानी कि दे आर लाइक ज़ॉम्बीज, मतलब मरे हुए लोग जैसे चल रहे हों वैसे उनको दिखते हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल एक है ना ऑटोमेट ज़ॉम्बीज की तरह, यानी कि बिल्कुल सोए हुए लोग जैसे चलते हैं, जिनको अपना कुछ होश नहीं है, ऐसे उनको वो चलते हुए नजर आते हैं, है ना। तो वो तो हम जो है अपने आप को, अगर हमको कोई झिझोड़ के पूछे कि क्या हम जिंदा लाश हैं, क्या हम केवल बेसिकली खाना पीना और बेसिक अपना आवास को पूरा कर लें और अपना समय पूरा करके निकल जाएं, इतना ही हम इतना इज दैट ऑल अबाउट माय बीइंग, तो ये हमको अंतर्मन में कहीं स्वीकार होता नहीं है। तो कहीं जाके वो हमको कहता ही है कि इससे ज्यादा कुछ चाहिए, इससे मतलब मैं इतना नहीं हूँ। तो उसी चीज का एड्रेस हो पाना, उस चीज का एक स्टडीएबल प्रपोजल होना कि हम इसको चीज को पूरा समझ सकें, पूरा इसको उसके बॉटम तक जा सकें, है ना, यानी उसका कोई रहस्य की जगह ना बचे, कोई चीज ऐसी ना बचे जो हमको स्पष्ट ना हो, ऐसी जगह पर पहुंच जाए, ऐसा दर्शन हमारे पास में ये मध्यस्थ दर्शन के रूप में उपलब्ध हुआ है, जिसका हम लोग यहाँ पर मिलकर अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग कहाँ पर गए थे, तो सार्वभौम व्यवस्था में प्रमाणित होने में भागीदारी करना ही प्रमाण सर्वसुलभ रहता है। सार्वभौम व्यवस्था के अंगभूत में ही मानवीय शिक्षा संस्कार वैभवित होना पाया जाता है। मानव परंपरा में सार्वभौमता का वैभव ज्ञान शिक्षा संस्कार पूर्वक ही सार्थक होना पाया जाता है, यही मानव परंपरा प्रमाण परंपरा का तात्पर्य है। ऐसे भी सामान्य सर्वेक्षण से पता लगता है सार्वभौम अर्थात सर्व मानव में स्वीकृति। सार्वभौम शब्द एक्चुअली बने सभी भूमियों में, है ना, यानी सब जगह सर्व मानव में स्वीकृत होने वाला। सहस्तित्ववादी विधि से जितने भी विधा में अभ्यास अध्ययन कार्य व्यवहार व्यवस्था में प्रमाण की कतार बना है, उसे हृदयंगम करना, अपने में जांच पाना, सार्थकता निरर्थकता को निश्चय कर पाना, हर नर नारी के लिए अति सुगम होना पाया गया। मानव का साध्य वस्तु जागृति है, जिसका स्वत्व स्वतंत्रता एवं अधिकार का स्वरूप ज्ञान विवेक विज्ञान, जिसका प्रमाण कार्य व्यवहार पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का स्वरूप है, जो एक से दूसरी कड़ी के रूप में जुड़ा हुआ है। तो वही हम जो बात कर रहे थे कि स्वयं में ज्ञान विवेक विज्ञान और प्रमाण के रूप में जो है कार्य व्यवहार पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो फिजिकल फॉर्म के अंदर क्या रहेगा, मतलब उसका मैनिफेस्टेड स्वरूप होगा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, और स्वयं में क्या रहेगा, अनुभव, है ना, स्वत्व के रूप में समझदारी। इसमें
किसी भी कड़ी को अपन विभाजित नहीं कर सकते, है ना। सीधे अनुभव हो, बिना वो किसी विज्ञान विवेक और विज्ञान के हो जाए, बिना कुछ करे हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको जो है अनुभव ही बोध में आएगा, बोध के साथ में उसका चित्रण होगा, उसका विचार विचार और वो शरीर के साथ में जुड़ के, उसका कार्य व्यवहार के साथ में जुड़ के, इस प्रकार से परंपरा के रूप में वो जुड़ेगा। इसमें आप किसी चीज को काट नहीं सकते, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है अनुभव हो गया और सीधे उसके साथ में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हो गई, ऐसा नहीं होता है। तो अनुभव के साथ में क्रमशः ही प्रमाण की शुरुआत होती है। तो परंपरा के रूप में जो साध्य वस्तु है मानवाकांक्षा, जीवन आकांक्षा, उसे सहस्तित्ववादी ज्ञान विवेक विज्ञान के बिना प्रमाणित करना संभव नहीं हो सकता। तो मानव के रूप में जो साध्य जो पाना चाहता है उसको, जब तक उसमें वो ज्ञान विवेक और विज्ञान उसको प्राप्त नहीं होता तब तक वो उसको प्रमाणित कर नहीं सकता। सहस्तित्ववादी विधि से ही प्रमाणित हो सकता है। सहस्तित्व कोई रहस्य या संघर्ष नहीं है, सहज रूप में सर्व मानव को समझ में आने वाला और सर्व मानव से आशित वस्तु है ना। इसको मतलब सभी आदमियों को ये समझ में आ सकता है, सभी मानवों को समझ में आ सकता है, और ये सभी की आशा भी है। मतलब ऐसा नहीं है किसी की आशा नहीं हो, तो इस तरीके से ये ऑप्टिमल चीज है ना, क्योंकि हर मानव किसी की परस्परता में ही जीना और सुख पाना चाहता है। इस विधि से सहअस्तित्व की महिमा समझ में आता है। साथ में जीने के क्रम में सर्वप्रथम मानव ही सामने दिखाई पड़ता है। ऐसे मानव किसी न किसी संबंध में ही स्वीकृत रहता है, यानी कोई भी आदमी होगा उसके साथ में किसी न किसी संबंध में ही वो हम उसको प्लेस कर पाएंगे, है ना। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति की पहचान करते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो अभी भी आज के समय में भी आप देखेंगे कि किसी भी संस्कृति में जाइए, उसमें जाइए, लोग है ना जब भी किसी आदमी को मिलते हैं तो पहले उसका प्लेसमेंट करना की कोशिश करते हैं कि आदमी को हम कहाँ अपनी हायरार्की में, कहाँ अपने उसमें प्लेसमेंट करें उसका। तो कुछ लोग है ना आदमी की जाति देखते हैं, वो कहते हैं कि कौन कास्ट से हो, क्या हो, इस प्रकार से उसका प्लेसमेंट करते हैं, उसके आधार पे उससे अपना संबंध को पहचानते हैं। दूसरा, कई लोग इस प्रकार से देखते हैं उसके सोशल या इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हैं, उसके पास कितना पैसा होगा, इस प्रकार से उसका उसको एक प्रकार से आंकते हैं, है ना, उस प्रकार से उसका प्लेसमेंट करके उसके साथ व्यवहार को, उसके साथ संबंध को पहचानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो एक नई बात कही जा रही है कि व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान होने की आवश्यकता है, है ना। और व्यवस्था के अर्थ में यानी सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जो अस्तित्व सहज व्यवस्था है वो बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड के अंदर आप पहचानना एक आदमी की आवश्यकता है, यानी पहचानना और निर्वाह करना, यानी संबंधों का निर्वाह करने के लिए आपको हर व्यक्ति को पहचानना ही होगा, परिवारजनों को पहचानना होगा, आगंतुकों का पहचानना होगा, समाज में जहां भी मिलते हैं हमको आदमी को प्लेस तो करना ही हो। अब ये प्लेस करने का जो विधि क्या हो उसके लिए यहाँ पे प्रस्ताव है कि आपको उसके लिए आपको दर्शन चाहिए, है ना। उस दर्शन के व्यू के अंदर आप किसी संबंध का प्लेसमेंट, किसी व्यक्ति का प्लेसमेंट करते हैं, उसके आधार पे उस संबंध की पहचान होती है। और फिर वो संबंधों को ये बताया कि ये प्रकार से सात ही रूप में आप हर आदमी के रूप में हर आदमी का प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ये देखें कि भाई, माता पिता, है ना, पुत्र पुत्री, शिष्य, साथी, सहयोगी, एक प्रकार से जैसे पुराने समय में कास्ट थी ना, एक प्रकार से ये सब कास्ट ही हैं। इस रूप में आप उनको प्लेस कर सकते हो कि हर आदमी, ये आदमी या तो मेरा भाई है या मित्र है या फिर पिता के समान है या फिर माता के समान। इस प्रकार से ये जब हम किसी संबंध की व्यवस्था के अर्थ में प्लेसमेंट होती है तभी उसके साथ में हमारा कम से कम मानना पूरा होता है, तभी उसके साथ, जब मानना पूरा होता है आधी कहानी उसके साथ में पूरी हो जाती है, उसके साथ में संबोधन ठीक जुड़ जाता है, उसके साथ में फिर निर्वाह आगे जुड़ता है, है ना। तो यहाँ पे ये बेसिक प्लेसमेंट की बात है कि संबंध को व्यवस्था के अर्थ में पहचान और फिर उस संबंध के इन सात संबंधों में से एक की आइडेंटिफिकेशन और उसके अर्थ में अपने कर्तव्य और दायित्व की का निर्वाह, है ना। ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है।
ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं, सर्वप्रथम मानव माँ के रूप में और तुरंत बाद पिता के रूप में, इसके अनंतर भाई बहन, मित्र, गुरु, आचार्य, बुजुर्ग, उन्हीं के सदृश यानी उनके जैसे और अड़ोस पड़ोस में समान संबंध परंपरा में है ही। जीने के क्रम में संबंध के अलावा दूसरा कोई चीज स्पष्ट नहीं हो पाता है। यानी आपको जब जीना है तो आपको हर एक के साथ में अपना क्या रिलेशन है ये अपने को स्पष्ट होना पड़ेगा। जहां रिलेशन नहीं स्पष्ट होता है, जहां संबंध स्पष्ट नहीं होता है, उसी जगह पर हम अपराध करने चले जाते हैं, है ना। तो संबंधों के आधार पर ही परस्परता, प्रयोजनों के अर्थ में पहचान और निर्वाह होना पाया जाता है। इस विधि से पहचानने के बिना निर्वाह, निर्वाह के बिना पहचानना संभव ही नहीं है, है ना। इसमें यह पता चल लगता है कि प्रयोजन हमारी वांछित उपलब्धि है, मतलब ये डिजायर्ड अकम्प्लिशमेंट है। प्रयोजन के रूप में हम जीना ही चाहते हैं। प्रयोजनों के लिए संबंध और निर्वाह करना एक अवश्यम भावी स्थिति है, यानी ये नेसेसरीली आगे होगा ही, और इसी को हम दायित्व और कर्तव्य नाम दिया। संबंधों के साथ दायित्व और कर्तव्य अपने आप से स्वयं पूर्ण होना सहज है। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से एक पेड़ जो है वो उसकी पानी की आवश्यकता है, उसी प्रकार से ये जो संबंध जो हैं हमारे, ये रियल चीज हैं, ये प्राकृतिक हैं, इनकी एक निश्चित आवश्यकताएं हैं, इनकी एक निश्चित अपेक्षाएं हैं। तो एक बार बाबा जी से बात करते हुए उन्होंने कहा, आवश्यकता शब्द जो इस्तेमाल करते हैं वो आवश्यकता एक तात्विक अर्थ है, और मध्यस्थ दर्शन को उन्होंने एक जगह आवश्यकतावाद भी कहा है। मतलब ये हर चीज की एक निश्चित आवश्यकता है, एक नीड है, वो नीड की एक्चुअली पूर्ति होना उसी विधि से संभव है। और वो विधि आपको पहचानने में नहीं आती है तो आप वहां शोषण करते हो, और वो पहचानने में आती है तो आप उसका पोषण करते हो। तो ये बेसिक उसके अंदर इसका डिजाइन ही ऐसा है, है ना। तो ये चाहे जैसे माता पिता के साथ में पुत्र पुत्री का संबंध हो, या फिर पति पत्नी का एक दूसरे, इसमें एक डेफिनेट नीड्स हैं, और वो डेफिनेट नीड्स जो हैं वो एक व्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में है, है ना। और वो डेफिनेट नीड्स को जहां अपन ने आइडेंटिफाई किया, और उसके अर्थ में हमको क्या कर्तव्य है, कितना क्या दायित्व है, उसको वहां अपने वहां पानी दिया या उसका वहां पोषण किया, तो हम देखेंगे कि एकदम से चीजें हरी होने लगती है। वहां पे एक्चुअली कुछ रंग आने लगता है, जो कि अदरवाइज और कुछ भी कर लो उससे वो और किस विधि से वो पूरा होता नहीं है, है ना। तो ये एक सबसे इस दर्शन से जो राहत पाने की, या दर्शन से जो सबसे पहला जो खुशहाली की जो स्थिति है, वो यहीं पर ही आने की बात है। इट इज अबाउट होम कमिंग, ये अपने ही घर में हम सभी को आने की बात है। हम अपने घर में किस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएं, व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, है ना। जबकि घर अध्याय सेक्शन 17 अध्याय 3 मानव कर्म दर्शन, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, दर्शन दृष्टा और दृश्य। दर्शन न्याय धर्म सत्य, दृष्टा मानव जीवन, और दृश्य सह अस्तित्व। तो इसमें पहले अपन देखेंगे कि दृष्टा कौन है, तो मानव दृष्टा है, और मानव में भी मानव जीवन दृष्टा है। और लोग ये कह रहे थे कि दायित्व जो है वो क्या पाना है और कैसे पाना है, इस बारे में बात है, है ना। और जो कर्तव्य जो है वो क्या करना है और कैसे करना है, तो उसका उदाहरण जो है माता पिता का दायित्व निर्धारण किस प्रकार से है। तो माता पिता का अपने बच्चों से क्या पाना चाहते हैं, है ना। तो ये उसकी आवश्यकता जो है वो है कि बच्चे उनके प्रति कृतज्ञता और गौरव को की अपेक्षा करते हैं, तो उस मूल्य की अपेक्षा वो करते हैं कि वो बच्चे, और उस पाने के लिए उनको क्या करना है वो उनका कर्तव्य है, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, उनको पोषण और संरक्षण करना है। तो जब
ये क्या पाना है ये स्पष्ट होता है, दायित्व स्पष्ट होता है, और फिर उसके लिए कैसे पाना है ये स्पष्ट होता है। फिर दूसरा उदाहरण है जैसे शिष्य का दायित्व और कर्तव्य निर्धारण, तो क्या पाना है, तो शिष्य क्या पाना चाहता है, तो ये पता लगता है कि शिष्य जो है वो ज्ञान, समझ, है ना, स्वायत्तता, इस चीज को पाना चाहता है। और कैसे पा सकता है, वो आज्ञा पालन, अनुसरण, अनुकरण, अनुशासन, इस विधि से पा सकता है। तो इस प्रकार से वो फिर शिष्य का कर्तव्य बन जाता है ना। तो इस प्रकार से हम ये दायित्व और कर्तव्य को यहाँ पर इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है, और कुछ और जगहों पर दूसरे तरीके से किया गया है, पर यहाँ पर जो जिस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है उसको हम यहाँ समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है उमेद भाई, आई थिंक वी विल कंटिन्यू, है ना। दोज हु हैव ड्रॉप्ड, आई थिंक दे कैन ऑलवेज लिसन टू द रिकॉर्डिंग्स लेटर, तो इसलिए हम अपने शेड्यूल के अनुसार ही चलेंगे। तो सुदूर विगत से इन्हीं नजरियों को झेला हुआ मानव परंपरा मन स्वस्थता के पक्ष में वीरान निकल गया, जबकि सहस्तित्ववादी विधि से मन स्वस्थता की संभावना सर्व मानव के लिए समीचीन सुलभ होना पाया जाता है। इसी तारतम्य में हम सभी संबंधों को सार्थकता के अर्थ में, प्रयोजनों के अर्थ में, संज्ञानीयता पूर्ण प्रयोजन के अर्थ में पहचान पाते हैं। इसका स्पष्ट रूप सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज के रूप में, इसका स्पष्ट रूप मानवाकांक्षा, जीवनाकांक्षा प्रमाणों के अर्थ में स्वीकार सहित और मूल्यांकन सहित कार्य व्यवहार और व्यवस्था के और आचरणों को परिवर्तन कर लेना ही सहस्तित्ववादी ज्ञान विज्ञान और विवेक का फलन होना पाया जाता है। तो आगे इसको पुनः लिखा है, मानवाकांक्षा क्या है, समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व सहज प्रमाण, और जीवनाकांक्षा है सुख शांति संतोष आनंद के रूप में गण्य है। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा